आप जो नजारा देख रहे हैं वो किसी शहर का नहीं है, बल्कि भिवानी के एक ऐसे गांव का है जिसमें एक सेठ ने अपनी मेहनत एवं करोड़ों रुपए लगाकर इसे आदर्श गांव बनाया है। गांव की इंटरलॉकिंग सड़कें, झील, ऑडिटोरियम लंदन की तर्ज पर हॉलिडे होम एवं कैरावैन से सुशोभित किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। सांसद, विधायकों एवं मंत्री के गोद लिए हुए गांव में विकास कार्य न के बराबर हैं, जबकि गांव सुई में जो विकास कार्य किए गए हैं उन्हें देखकर हर कोई हैरान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रायोजित भारत का प्रथम आदर्श गाँव सुई आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मैंने इंग्लैंड की तर्ज पर वहाँ हॉलीडे होम बोलते हैं, तो मैंने डेवलप कर दिया पूरा पक्का बना के उसी साइज में और उसी कॉन्सेप्ट में। बार भी मिलेगा उनको, उनको जिम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारी सुविधा। पीएम के को ये संदेश दिया हमने कि देखो एक प्राइवेट आदमी ने गांव को आदर्श गांव बनाया और उसने क्या क्या बनाया वो देख लो, और फिर आप वहां जाके उदाहरण करोगे तो आप प्राइवेट लोगों को बोलो, बजाय इसके कि एमपी तो सरकारी खर्चा है, एमएलए बनाता है तो सारी खर्चा है, 2-3 करोड़ रुपए लगाते हैं वो बन भी नहीं पाता। आप किसी भी आदर्श गांव में जाके देखो आपको लगेगा ही नहीं ये आदर्श गांव। एमपी एमएलए अपना गांव नहीं बना सकते, सरकार पागल बना रही है। क्योंकि इस गांव में 6 किलोमीटर के लगभग ब्लॉक की गलियां, प्रत्येक घर में शौचालय, 150 के लगभग स्ट्रीट लाइट सहित सभी मूलभूत सुविधाएं बगैर किसी सरकारी सहायता के मौजूद हैं। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से गांव को गोद लेकर आदर्श गांव बनाने का आह्वान किया गया था, जिससे प्रभावित होकर गांव के मूल निवासी उद्योगपति सेठ किशन जिंदल ने गांव को गोद लेकर विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। अपनी माता की स्मृति में गांव के मूलभूत ढांचे को खड़ा करने के लिए उन्होंने अब तक 13 करोड़ रुपए गांव के विकास में खर्च कर गांव को आदर्श गांव के रूप में स्थापित किया है। सेठ किशन जिंदल के भतीजे और गांव के विकास कार्य की देखरेख करने वाले सेठ जगमोहन जिंदल गांव के विकास का नक्शा दिखाते हुए बताते हैं कि गांव को जल्द ही एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे जो आय होगी उसका प्रयोग गांव के विकास कार्यों में होगा। इसके लिए बाकायदा गांव में चिल्ड्रन पार्क और झील का निर्माण किया जा चुका है। इस झील में नौकायन की सुविधा भी उपलब्ध है। अब तक लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से गांव में 6 किलोमीटर की सड़कें, स्टेडियम, बस शेल्टर, कॉलेज बिल्डिंग, जिम्नेजियम हॉल, सरकारी स्कूल में कंप्यूटर व साइंस लैब, प्रत्येक घर में शौचालय, 150 स्ट्रीट लाइटें, हॉलीडे होम, वाटर पार्क, वाटर पाइपलाइन का कार्य करवा चुके हैं। इसके अलावा 40 किलोवाट उत्पादन क्षमता का सोलर प्लांट भी सार्वजनिक भवनों की बिजली आपूर्ति के लिए लगाया गया है। 1 लाख रुपए की लागत से गांव में उच्च क्षमता वाले आरओ प्लांट की स्थापना भी की जाएगी। सरपंच रामपाल खटाना, अजीत सिंह और पंच उमेद सिंह ने बताया कि सुई गांव के ग्रामीण बगैर किसी सरकारी सहायता के गांव के ही व्यक्ति सेठ किशन जिंदल द्वारा किए गए विकास कार्यों से खुश हैं कि गांव के विकास में सेठ किशन जिंदल और जगमोहन जिंदल के परिवार का अभूतपूर्व योगदान है। हमारे गांव के लिए भामस है हमारे लिए, और इन्होंने लगभग अभी तक 15 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में खर्च कर दिए। मेरे ख्याल तो भारत में इतना बड़ा कोई सेठ नहीं मिलेगा। और इनके जो चाचा जी है सेठ श्री किशन जिंदल जी, उनका हमारे सामने 2-3 बार उन्होंने ये कहा है कि मैं इस सुई गांव का भारत का प्रथम गांव बनाना चाहता हूँ। सपना है कि भारत का सुई गांव प्रथम गांव बने, तो उसमें मैं, हम और हम पूरे गांव का सबका प्रयास है कि हम सेठ का तन मन धन से अपना सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बगैर किसी सरकारी सहायता से गांव के ढांचे को आधुनिक रूप दिया है। आज उनका गांव आदर्श गांव के रूप में स्थापित हो गया है। गांव में हर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। और सेठ जी ने मान ले प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस गाँव को गोद लिया, और उनका ये मानना है कि भी जिसके पास मान ले भगवान ने धन दे रखा है वो हर आदमी गोद लेके अपने गाँव का विकास करिएगा। इन शिक्षा में सबसे पहले बनवारी लाल जिंदल सुई वाला तुषाम में कॉलेज बनाया है, यहाँ भी स्कूल है, अस्पताल हैं, कन्या पाठशाला है, बहुत से विकास कार्य किए हैं। अब आपके झील बन रहे हैं, पार्किंग हो रही हैं, उसके बाद अपना ऑडिटोरियम बन रहा है ऐसा, और गाँव की पक्की गलियाँ हैं, सोलर लाइट लगा दी जिसमें पानी की निकासी के लिए पाइप हैं, और ऐसा विकास कार्य किया है कि आसपास में कोई नहीं करेगा। सेठ जी का गाँव में भी और स्कूल में भी बहुत योगदान है, लाइब्रेरी वगैरह बनवाना और ये लैब वगैरह जिसकी केमिस्ट्री की, और जब भी हम कहते हैं सेठ जी को स्कूल के हित में वो कार्य करते हैं। 70 साल की उम्र होगी मेरी, और मैंने बचपन से, जब हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल भी नहीं था गांव के अंदर, तो सेठ के दादाजी ने यहाँ अपने पास से चंदा करके
प्राइमरी हाई स्कूल बनाया जिसके अंदर हम वहाँ से पास आउट हुए। उसके बाद उनकी रुचि थी कि भी गांव में पढ़ाई बिना विकास नहीं हो सकता। प्रेरणा तो ये मिलती है जी, अगर किसी भाई के पास, सेठ के पास मान लिया व्यापार है अच्छा, वो अगर गांव में अगर जैसी सुविधा दें तो आम जनता के नाम से उसको भलाई हो सकती है। कि उनके गांव सुई की तर्ज पर अपने पास से पैसा खर्च कर गांव के विकास में लगाने वाले अन्य धनाढ्य लोग भी अब उनसे प्रेरणा लेकर आगे आएंगे। सेठ जी ने हमारे गाँव की सभी तो गलियां पक्की करवाई है, लगभग 5.5-6 किलोमीटर के करीब सारी गलियों का विकास कार्य मतलब सेठ जी ने करवाया है। और 60 के करीब लगभग शौचालय जो केबिन गांव के अंदर बांटे थे 60 केबिन दिए सेठ जी ने। और स्कूल के अंदर लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब सेठ जी ने वो बनवाई है। और गांव के अंदर झील है, अत्याधुनिक पार्क का जो विकास चल रहा है उसके ऊपर। और गाँव का भी हर तरह से मतलब हर नागरिक सेठ जी का तहे दिल से आभार जताता है। Thank you.